राजा हरिश्चंद्र, सत्य के प्रतीक। राजा हरिश्चंद्र का नाम इतिहास में सत्य और न्याय के प्रतीक के रूप में अमर है। उनके जीवन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सत्य की राह पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। राजा हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े राजा थे। उनके दरबार में हमेशा न्याय और सत्य की बातें होती थीं। उनके दरबार में आने वाले हर व्यक्ति को न्याय मिलता था, चाहे वह कितना भी गरीब या अमीर क्यों न हो। वो हमेशा सच बोलते थे और सबके साथ न्याय करते थे। उनके लिए सत्य और न्याय से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हरिश्चंद्र ने हमेशा अच्छे काम किए। उन्होंने अपने राज्य में कई धर्मशालाएं और अस्पताल बनवाए। उनके द्वारा किए गए कार्यों से उनकी प्रजा को बहुत लाभ हुआ। वे हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। वे अपने लोगों के दुख दर्द को समझते थे और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुरक्षित और खुशहाल महसूस करता था। राजा का नाम सब जगह मशहूर था। उनकी सत्य निष्ठा और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। लोग उनकी मिसाल देते थे और उनके जैसा बनने की कोशिश करते थे। लोग उनकी तारीफ करते थे। उनके राज्य के लोग ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोग भी उनकी प्रशंसा करते थे। हरिश्चंद्र का नाम सुनते ही लोगों के मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता था। हरिश्चंद्र एक आदर्श राजा थे। उनके जीवन और कार्यों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और न्याय की राह पर चलना ही सच्ची महानता है। उनके आदर्शों को अपनाकर हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। एक दिन महर्षि विश्वामित्र हरिश्चंद्र के दरबार में आए। उन्होंने राजा को अपनी शक्तियों से परखने का सोचा। विश्वामित्र ने राजा से उनका पूरा राज्य मांग लिया। राजा ने अपना सब कुछ दान कर दिया। वो अपने वचन से बंधे हुए थे। राज्य छोड़ने के बाद राजा को अपनी पत्नी और बेटे के साथ जंगल में रहना पड़ा। उन्होंने सादे कपड़े पहने। राजा हरिश्चंद्र, जो कभी एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा थे, अब एक साधारण जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए थे। उनके पास अब न तो महल था, न ही कोई सेवक। अब वो एक आम आदमी की तरह जिंदगी जी रहे थे। जंगल में रहकर उन्होंने और उनके परिवार ने अपने दैनिक कार्य खुद ही करने शुरू कर दिए। वे पानी भरते, लकड़ी काटते और भोजन पकाते। यह उनके लिए एक नई और कठिन चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया। लेकिन राजा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हरिश्चंद्र ने अपने परिवार को हमेशा प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने अपने बेटे रोहिताश्व को भी यही मूल्य सिखाए। वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते रहे। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं, उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जंगल में रहते हुए भी उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। उनके इस त्याग और समर्पण ने उन्हें और भी महान बना दिया। राजा हरिश्चंद्र का यह त्याग और उनकी सच्चाई की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। रानी तारामती को जंगल में बहुत तकलीफें हुईं। उन्हें अपने बेटे की बहुत चिंता होती थी। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। रानी जानती थी कि उनके पति सही रास्ते पर चल रहे हैं। एक दिन उनके बेटे रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। रानी बहुत दुखी हुई। रोहिताश्व उनका इकलौता पुत्र था और उसकी मृत्यु ने रानी तारामती के जीवन को शून्य कर दिया। वह अपने बेटे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका हृदय भारी हो गया था। उन्होंने अपने पति से कहा कि वो अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे दें। रानी तारामती ने राजा हरिश्चंद्र से विनती की, महाराज, हमें रोहिताश्व के अंतिम संस्कार के लिए धन की आवश्यकता है, कृपया कुछ व्यवस्था करें। उनकी आवाज में दर्द और निराशा स्पष्ट थी। राजा के पास एक भी पैसा नहीं था। राजा हरिश्चंद्र ने भारी मन से कहा, रानी, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। हमने सब कुछ सत्य और धर्म के लिए त्याग दिया है। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह अपनी मजबूरी के कारण कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने रानी से कहा कि वो अंतिम संस्कार के लिए कुछ लकड़ियां जमा कर लें। रानी तारामती ने अपने आंसू पोंछे और अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का निर्णय लिया। वह जंगल में गईं और अपने नाजुक हाथों से लकड़ियां बटोरने लगीं। हर लकड़ी के टुकड़े के साथ उनका दिल और भी भारी होता गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह जानती थीं कि यह उनका कर्तव्य है और उन्होंने इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया। रानी लकड़ियां जमा करने लगीं, तभी वहां भगवान गणेश आए। गणेश जी ने रानी की परीक्षा ली और उन्हें वरदान दिया। भगवान गणेश ने राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई देखी।
उन्होंने राजा को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। विश्वामित्र भी आए और उन्होंने राजा से माफी मांगी। राजा हरिश्चंद्र फिर से अपने राज्य के राजा बन गए। प्रजा ने उनका स्वागत किया। सब लोग बहुत खुश थे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें सच और अच्छाई का महत्व सिखाती है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए।